नमस्कार फ्रेंड्स, लेकर आए हम बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर नंबर 4 लाइम बाय अविनाश त्रिपाठी। इस वीडियो में हम आपको लाइम और टाइल से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताएंगे। आई होप आपको अच्छा लगे, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लाइम होता क्या है। तो लाइम एक बाइंडिंग मटेरियल है जो वातावरण में चूने के पत्थर के रूप में उपस्थित होता है। यह वातावरण में फ्री स्टेट में कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो लाइम हमेशा चूने के पत्थर यानी लाइम स्टोन के फॉर्म में वातावरण में मौजूद होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैल्सिनेशन से पहले लाइम क्या था और कैल्सिनेशन के बाद क्या बनता है। जैसे प्योर लाइम स्टोन से प्योर लाइम फाउंड होता है, जिप्सम से स्वीट लाइम और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के कैल्सिनेशन से, शैल पत्थर के कैल्सिनेशन से प्योर लाइम, चाल पत्थर के कैल्सिनेशन से प्योर लाइम, कंकड़ के कैल्सिनेशन से हाइड्रोलिक लाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डोलोमाइट के कैल्सिनेशन से मैग्नीशिया लाइम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं वो हैं कैल्सिनेशन से पहले लाइम क्या था, और राइट साइड वाले में लिखा गया है कैल्सिनेशन उस पत्थर के कैल्सिनेशन के बाद से लाइम का कौन सा फॉर्म प्राप्त होता है। यहाँ पर स्वीट लाइम का अर्थ ये है फ्रेंड्स, स्वीट लाइम का मतलब जो हम लोग पान के साथ खाते हैं वो स्वीट लाइम है। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान में रखने वाली बातें थी जो कैल्सिनेशन लाइम के कैल्सिनेशन से पहले लाइम क्या था और कैल्सिनेशन के बाद लाइम क्या है। अब हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशन लाइम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, कैल्सिनेशन में जो है लाइम स्टोन को हवा में 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, जिससे उसमें नमी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। सेटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, की सेटिंग में जो है जब लाइम पेस्ट अपने पेस्ट फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग सेटिंग कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में पानी के अंदर लाइम के सेट होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हाइड्रोलिसिटी कहते हैं। हाइड्रोलिसिटी फ्रेंड्स मुख्यतः एल्यूमिना के कारण होती है। ठीक है, क्विक लाइम, कैल्सिनेशन के तुरंत बाद प्राप्त चूना जो वातावरण में उपस्थित नमी से तुरंत क्रिया करने की टेंडेंसी रखता है, क्विक लाइम उसे कहते हैं। फिर आता है स्लैग्ड लाइम। क्विक लाइम के पानी से क्रिया करने के बाद जो लाइम फाउंड होता है उसे स्लैग्ड लाइम या हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं। यह पाउडर फॉर्म में फाउंड होता है, क्विक लाइम लम्प के फॉर्म में फाउंड होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम का जो सूत्र होता है CaOH ट्वाइस होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्सिनेशन के तुरंत बाद जो चूना प्राप्त होता है उसे लम्प लाइम कहते हैं, क्योंकि यह ढेले के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, यह भी प्योर लाइम ही होता है CaO, अगर इसे पीस दें तो ये प्योर लाइम पाउडर फॉर्म हमें मिलेगा, मतलब प्योर लाइम पाउडर हमें मिलेगा। फिर हम देखेंगे स्लेकिंग। स्लेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें अनबुझे चूने को पानी के साथ क्रिया करके CaOH ट्वाइस बनाया जाता है, और इसमें क्या होता है अधिक से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और हिसिंग और सिसिंग की आवाज़ आती है, उसके साथ ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और चूने का आयतन 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। मैग्नीशिया लाइम जो होता है फ्रेंड्स वो डोलोमाइट के कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है, इसमें मैग्नीशिया 20 से 30% होता है। मैग्नीशिया लाइम का यूज़ भी जो है प्लास्टर कोटिंग में किया जाता है या वाइट वॉशिंग में भी कर सकते हैं दीवार की। अब हम लोग देखेंगे लाइम का क्लासिफिकेशन। तो पहले देखेंगे ए, प्योर लाइम। प्योर लाइम को फैट लाइम, वाइट लाइम, रिच लाइम और क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्योर लाइम कॉन्टेंट होता है 95 से 97%। स्लैकिंग के समय इसका आयतन 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है और यह एक क्लास सी का लाइम है। प्योर लाइम का जो यूज़ होता है वाइट वॉशिंग में करते हैं, जब मटेरियल्स को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो वहाँ फ्लस्क के रूप में यूज़ करते हैं। प्लास्टर वर्क में इसका यूज़ करते हैं और दीवार के ऊपर या और किसी चीज़ के ऊपर इम्परवियस लेयर मतलब अपारदर्शी फलक चढ़ाने के लिए करते हैं। फिर इम्प्योर लाइम में सबसे पहले हाइड्रोलिक लाइम आता है, इसमें जो इम्प्योरिटी होती है 5 से 30% तक वेरी करती है, और इसके इम्प्योरिटी में मैग्नीशिया, सिलिका और एलुमिना होता है। हाइड्रोलिक लाइम वाटर बॉडी के अंदर सेट होता है। हाइड्रोलिक लाइम को देखने वाली बात यह है कि हाइड्रोलिक लाइम को क्लास ए का लाइम कहा जाता है। इसका जो कलर होता है वो डल होता है, मटमैला होता है, और जितने भी मेन स्ट्रक्चर वर्क हैं हमारे वहाँ पे हम हाइड्रोलिक लाइम का ही यूज़ करते हैं एज अ मोर्टार। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिक लाइम 3 तरह का होता है, इमिनेंट्री हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम और फ्रीबली हाइड्रोलिक लाइम। इसमें आप देख सकते हैं इमिनेंट्री में 20 से 30% होती है अशुद्धि, मॉडरेट में 10 से 20% और फ्रीबली में 5 से 10% अशुद्धि। इम्प्योर लाइम में दूसरा आता है पुअर या लीन लाइम, ऐसा लाइम जिसमें
इम्प्योरिटीज 30% से ज़्यादा होती हैं, उन्हें पुअर या लीन लाइम कहा जाता है। इनकी स्ट्रेंथ बहुत बेकार होती है और इनका कलर भी बहुत मटमैला होता है, ये किसी काम में यूज़ नहीं किए जा सकते। ये अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग 712 1984। क्लास ए लाइम में आता है एमिनेंट्री हाइड्रोलिक लाइम। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल सेटिंग टाइम 2 घंटे, फाइनल सेटिंग टाइम 48 घंटे। और इसका यूज़ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर या फर्स्ट क्लास सेमी हाइड्रोलिक लाइम। सेमी हाइड्रोलिक लाइम की जो स्ट्रेंथ होती है 28 दिन के बाद की, वो होती है 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्लास सी में आता है प्योर लाइम। इसका यूज़ वाइट वॉशिंग में करते हैं, इसके स्ट्रेंथ की बात हम लोग नहीं करते क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कंसिडर नहीं की जाती है। मैग्नीशिया लाइम डोलोमाइट के कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है, जैसा कि बताया जा चुका है। यह क्लास डी के लाइम में आता है। और क्लास ई के लाइम में आता है कंकड़ लाइम या ढेले के रूप में होता है। इसकी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है। जहाँ भी स्ट्रेंथ की बात होगी वो 28 दिन की स्ट्रेंथ होगी। फ्री लाइम, स्लैकिंग के बाद भी कुछ लाइम ऐसा हुआ रहता है जो पानी से क्रिया नहीं कर पाता है, वही स्लैकिंग लाइम कहलाता है। विजुअल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, विजुअल टेस्ट में फ्रेंड्स होता क्या है कि हम लोग लाइम को देखते हैं, छूते हैं और उस हिसाब से उसके बारे में कंसिडर करते हैं। अब रिजल्ट ऑफ विजुअल टेस्ट अगर हम लोग बात करें तो प्योर वाइट अगर लाइम होगा तो क्लास सी का लाइम होगा, लाइट व्हाइट होगा तो सेमी हाइड्रोलिक लाइम होगा, और डर्टी व्हाइट अगर होगा तो वो क्लास ए का लाइम यानी हाइड्रोलिक लाइम। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट का यूज़ हम लोग फ्री लाइम डिटरमाइन करने के लिए करते हैं कि लाइम में फ्री लाइम का परसेंटेज कितना है। यह ली चैटलियर ऑपरेटर्स से किया जाता है, और इसमें जो ली चैटलियर ऑपरेटर्स का एक्सपेंशन पोटेंशियल होता है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, लाइम की ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन द्वारा ज्ञात करते हैं। इमिनेंट्री हाइड्रोलिक लाइम की जो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ होती है 28 दिन बाद 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेमी हाइड्रोलिक लाइम की होती है 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग लाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। जैसे पुट्टी को चारु पाउडर से बनाया जाता है। हाइड्रोलिक लाइम में 2 से 5% आयरन ऑक्साइड होना जरूरी होता है। अगर लाइम में सल्फेट है तो वो उसका स्लैकिंग एक्शन को कम कर देता है और सेटिंग एक्शन को, सेटिंग रेट को बढ़ा देता है। उसके बाद जो लाइम की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 3.14। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स टाइल के बारे में। तो ऐसे क्ले प्रोडक्ट जिनकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर से कम होती है क्ले कहलाते हैं। इनका यूज़ कई जगह पे होता है, जैसे फ्लोर में, ड्रेनेज में, रूफ में, वॉल में, ठीक है। तो अब हम लोग टाइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। टेराकोटा एक क्ले प्रोडक्ट होता है जिसे क्ले, सैंड, क्रश पोएट्री और ग्लास पाउडर आदि को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक। टाइल को जब बनाते हैं तो सबसे पहले ड्राइंग के बाद 600 से 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, उसको बिस्कुटिंग कहा जाता है। अर्थनवेयर क्या है? अर्थनवेयर एक क्ले प्रोडक्ट है जिसको कम टेम्परेचर पे पकाया जाता है, जैसे फियांस। अर्थनवेयर का यूज कहाँ होता है? ऑर्नामेंटल वर्क में, जो हमारी मूर्तियां वगैरह होता है उनमें बनाने में किया जाता है। स्टोनवेयर को ज़्यादा टेम्परेचर पे पकाते हैं, ये भी एक क्ले प्रोडक्ट है। इसका जो स्टोनवेयर का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो है डोमेस्टिक सीवर लाइन हमारी जो होती है, ठीक। ग्लेजिंग, क्ले प्रोडक्ट के ऊपर यानी टाइल के ऊपर इम्परवियस लेयर बनाने की प्रक्रिया को ग्लेजिंग कहते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, क्ले प्रोडक्ट की जो हमारी ड्यूरेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है और सुंदरता भी बढ़ जाती है, और अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आए तो वो भी छुप जाते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लेजिंग 2 टाइप की होती है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग होती है, एक अपॉक ग्लेजिंग होती है। ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग में किसका यूज़ करते हैं हम लोग? NaCl या लेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग में मतलब क्ले प्रोडक्ट हमारा दिखता रहेगा, सुंदर रहेगा। और अपॉक ग्लेजिंग तब करते हैं जब उसमें कोई डिफेक्ट हो जिससे उसका सरफेस नहीं दिखाई देता है। अपॉक ग्लेजिंग के लिए क्ले प्रोडक्ट को मिट्टी के घोल में डुबा दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो टाइल का चैप्टर और लाइन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स जस्ट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन बाय अविनाश त्रिपाठी, और ये वीडियो हमने और हमारी टीम ने बनाया है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।